राजस्थान में सब अपनी सहूलियत के लिए आजकल कैब का यूज ज्यादा करने लगे हैं। चाहे सामान मंगाना हो या खुद को आसपास जाना हो, लगभग सभी लोग खुद के व्हीकल को उठाने की जगह कैब बुक कर लेते हैं। कार, ऑटो और बाइक में सबसे ज्यादा बुक की जाने वाली राइड बाइक की है। लेकिन राजस्थान के जयपुर में बाइक कैब का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। जयपुर में 17 साल की लड़की के साथ कैब वाले ने जो किया वह बेहद शर्मनाक था। लड़की ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजधानी जयपुर में रहने वाली एक लड़की ने बाइक कैब बुक कराई। कैब वाला समय पर तो आ गया और मौके पर ड्रॉप भी कर दिया, लेकिन जाते जाते युवती को धक्का देकर उसका फोन लूट ले गया। उसने पीछा भी किया लेकिन बात नहीं बनी। बाद में जवाहर सर्किल थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि 17 साल की लड़की ने केस दर्ज कराया है। उसने रैपिडो कैब बाइक बुक की थी। कैब बुक करने के बाद रमजान अली नाम का बाइक राइडर आया। उसने किशोरी को जवाहर सर्किल में जहां वह जाना चाहती थी वहां पर उसे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद किशोरी ने जब रुपए दिए तो रुपए लेने के बाद जाते जाते उसका फोन भी लूट ले गया। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने लड़की की मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में आसपास के लोग उसे लेकर थाने पहुंचे। इस दौरान लड़की ने अपने परिवार के सदस्यों को भी फोन किया। सभी लोग थाने पहुंचे तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। रमजान अली नाम के रैपिडो बाइक राइडर की तलाश अब भी जारी है। इस रैपिडो बाइक राइडर के मोबाइल लूट के अलावा राजस्थान में मोबाइल लूटने की बड़ी वारदातें सामने आती रहती है। लेकिन इस घटना के बाद से लड़की बेहद डरी सहमी है। परिजनों ने सारी घटना की जानकारी दी और पुलिस थाने जाकर केस दर्ज कराया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।